पे बने रहिए लास्ट तक। तो चलो रेसिपी स्टार्ट कर लें। चलिए तो देखिए दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ मैगी पिज्जा। तो जिसके लिए मैंने मैगी लिया है, तो फटाफट इसे उबाल लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ये मैगियों को इसमें डाल देना है, पका लेना है। मैगी को तो पकाना सभी को आता है, तो ज्यादा बारीक भी नहीं तोड़ना है मैगियों को, थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है। तो इसे पका लेना है, पानी इसका एकदम सुखा लेना। मैंने ज्यादा पानी नहीं डाला है, इतना पानी डाला है कि सब एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए दोस्तों, इसे पे मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। इससे मसाले डालेंगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो पानी सूखने तक इसे पका लेना है। तो सुखा लेना एकदम अच्छे से इसका पानी। तो मैगी तो सभी को पकाने आता है, तो ये पार्ट मैं स्किप कर दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं मैगी का जो मसाला मिलता है वो डाल दे रही हूँ, यानी कि इसके फ्लेवर। तो सब डाल के अच्छे से पका लेना है। तो ऑलमोस्ट पानी सूख चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ऐसी प्लेट ली है गहरी सी, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल ले रही हूँ। घुमा लेना है चारों तरफ, इसके ऑयल लगा लेना है। देखिए दोस्तों, मैगी पक चुकी है, तो मैं इसी प्लेट में इसे ट्रांसफर कर ले रही हूँ। मैं इसी में इसे बिछा दूंगी, यानी कि इसमें सेट कर लेना है इसे मैगी को। ये हमारा मैगी का पिज्जा बेस है, तो अच्छे से सेट कर लेना है। ये भी गर्म है, इसे ठंडा होने देना है 5 मिनट के लिए, ये इसमें सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मैगी देखिए ठंडी हो चुकी है, तो ये इजिली निकल जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है। तो क्या करना है, प्लेट को इस पे रख के टैप 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 कर लेना है, तो ये निकलने वाला है। ये देखिए निकल गया। तो ये हमारा मैगी पिज्जा बेस है। देखिए दोस्तों, यहीं पे मैंने तवा लिया है, तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल। तेल को अच्छे से फैला लेना है, आप बटर या घी ले सकते हैं। तो तवे को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तवा एकदम लो फ्लेम पे जल रहा है, सॉरी गैस, तवा थोड़ी जलेगा। तो मैं ये मैगी पिज्जा बेस को इस पे ट्रांसफर कर लूंगी। तो वाव, अब मैं इस पे डालूंगी पिज्जा सॉस। तो कोई भी पिज्जा सॉस ले लेना है, तो ये बहुत ही डिलीशियस बनेगा मैगी पिज्जा। अगर आपको पिज्जा और मैगी पसंद है, तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो इसी पे मैं डाल दूंगी थोड़ी सी चीज। मुझे पिज्जा सजाना बहुत अच्छा लगता है, पिज्जा सजाना। तो यहीं पे मैं कैप्सिकम ली हूँ, कुछ शिमला मिर्ची, अपने हिसाब से कट कर लेना है। अपने हिसाब से सब्जियां डालनी है, तो यहीं पे कुछ ऑनियन है। सभी सब्जियों को अपने हिसाब से डाल लेना है। और मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है, कुछ बॉइल्ड कॉर्न है, इसे भी डाल देना है। तो यहीं पे थोड़ी सीजनिंग ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और चिली फ्लेक्स, और ओरिगैनो। तो पका लेना है इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। थोड़ा सा चीज मैं और ऊपर से डाल दे रही हूँ। तो इसे हम ढक देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम। मैं ढक दे रही हूँ 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी। फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए मैगी कितनी अच्छी पक गई है।
तो ये बहुत पसंद आने वाली आप सभी को। अगर आप मैगी खाते हो और पिज्जा खाते हो तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलो इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखिए ट्रांसफर कर रही हूँ किस तरह से मैं। वाह, तो बहुत ही आराम से इसे प्लेट में निकाल लेना है। तो ये सब्जियों से लोडेड, मैगी से लोडेड पिज्जा तैयार है, तो एंजॉय करिए। तो देखिए दोस्तों मैगी तैयार हो चुकी है, तो मैं इसे कट कर ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैगी पिज्जा। तो आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसे पलट के भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितना क्रंची हुआ है, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो आप भी बनाइए मैगी पिज्जा और एंजॉय करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ गई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और वो घंटी है उसको टन से बजा देना है ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको टाइम पे पहुंच जाए खड़ाक से।